रिफॉर्म्स नहीं होती, बलदियाती इलेक्शन नहीं होते, उधर कोरोना आ जाता है। बलदियाती इंतखाबात वाली बात कर लूं जी, पहले मैं बलदियाती इंतखाबात वाली बात कर लूं, बाद में इनके साथ जरा हिसाब किताब मुझे बाकी करना है अभी। जी जी, बलदियाती इंतखाबात की जहां तक आपने बात की, हमारे जो 26 निकात है उसका हिस्सा है बलदियाती इंतखाबात, और पंजाब में इन्होंने आते ही एक साल टेन्योर होने के बावजूद पंजाब के बलदियाती इंतखाब जो है वो शब खून मारा, इदारे ख़त्म किए, और अभी भी हम अदालतों में रुल रहे हैं, और हमें देखने के लिए इनके अपने MPs MNAs ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्हें जो है वो घुटने पकड़े जाके वज़ीर आज़म के कि बलदियाती इंतखाबात ना कराना मर जाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बाहर निकले तो सही, इनको पता तो चले, जो कहे कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आप तो कुत्ते की मिसालें देते थे हमें, और आज आप कह रहे हैं लोग खुदकुशी कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, तो तुम बैठे कह कि इसीलिए कहा डूब मरो, मैं दोबारा कह रही हूँ डूब मरे, जिस जो कर कुछ नहीं सकता, जो आवाम के जख्मों पर जो है वो नमक छिड़कता है, ये कह के कि मैं क्या करूं, लोग अपने बच्चे नहरों में फेंक रहे हैं, कसूर के अंदर जो है कुछ दिन पहले भी, अब चुप रहे आप, आपको सुन लिया मैंने, बात कर रहे बहुत सुन लिया आपको, अब नहीं बोलने दूंगी आपको, गलत फहमी है आपकी, और ये शक्लें उनकी फिटकार पड़ी होती है जिनके अमाल उनके चेहरों पे होते हैं, अपने जरा चेहरों पे अमाल देखो, तुम्हारे चेहरों पर नजर आ रही है, और हमारी चेहरे देखो शक्लें किसकी बिगड़ी हुई हैं, किसकी शक्लों पे फिटकार पड़ी हुई है, और मरना चाहिए उन लोगों को कि जो वादे झूठे करके आए थे और बाद में आके अपनी शक्ल दिखाते हो, हमें तुम्हारी शक्ल देखने के लिए बैठे हुए हैं हम यहाँ, कभी कहते हो 96 का 92 का वर्ल्ड कप देख लो, कभी इसकी शक्ल देख लो, हमारे बच्चों की जो है वो कौन देगा फीसें, ये जो लोग बेरोजगार हुए हैं इनको रोजगार तुम्हारी शक्ल देख के देंगे, ये शक्लें जो फिटकारें पड़ी हुई है ना, ये अमाल की वजह से, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, सदाकत भाई भी माशाल्लाह, इससे आगे भी छोड़ के आऊंगी, आपको PhD में हो गया सदाकत भाई आपका, देखो मैं एक नहीं, मेरी बात सुनो समसूद, मेरी बात सुनो, मैं एक तकलीफ से कह रही हूं, एक वजीर आजम देखे ना, मैं कितने ये गुफ्तगू मैं कैसे चलाऊंगा, मैं खुद सोचूंगा मेरे घर में बच्चे देखेंगे इस गुफ्तगू को, मैं क्या करूं, आते ही एक साल टेन्योर होने के बावजूद पंजाब के बलदियाती इंतखाब जो है वो शब खून मारा, इदारे खत्म किए, और अभी भी हम अदालतों में रुल रहे हैं, और हमें देखने के लिए इनके अपने MPs MNAs ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्हें जो है वो घुटने पकड़े जाके वज़ीर आज़म के कि बलदियाती इंतखाबात ना कराना मर जाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बाहर निकले तो सही, इनको पता तो चले, जो कहे कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आप तो कुत्ते की मिसालें देते थे हमें, और आज आप कह रहे हैं लोग खुदकुशी कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, तो तुम बैठे कह कि इसीलिए कहा डूब मरो, मैं दोबारा कह रही हूँ डूब मरे, जिस जो कर कुछ नहीं सकता, जो आवाम के जख्मों पर जो है वो नमक छिड़कता है, ये कह के कि मैं क्या करूं, लोग अपने बच्चे नहरों में फेंक रहे हैं, कसूर के अंदर जो है कुछ दिन पहले भी, अब चुप रहे आप, आपको सुन लिया मैंने, बात कर रहे बहुत सुन लिया आपको, अब नहीं बोलने दूंगी आपको, गलत फहमी है आपकी, और ये शक्लें उनकी फिटकार पड़ी होती है जिनके अमाल उनके चेहरों पे होते हैं, अपने जरा चेहरों पे अमाल देखो, तुम्हारी चेहरों पर नजर आ रही है, और हमारी चेहरे देखो शक्लें किसकी बिगड़ी हुई हैं, किसकी शक्लों पे फिटकार पड़ी हुई है, और मरना चाहिए उन लोगों को कि जो वादे झूठे करके आए थे और बाद में आके अपनी शक्ल दिखाते हो, हमें तुम्हारी शक्ल देखने के लिए बैठे हुए हैं हम यहाँ, कभी कहते हो 96 का 92 का वर्ल्ड कप देख लो, कभी इसकी शक्ल देख लो, हमारे बच्चों की जो है वो कौन देगा फीसें, ये जो लोग बेरोजगार हुए हैं इनको रोजगार तुम्हारी शक्ल देख के देंगे, ये शक्लें जो फिटकारें पड़ी हुई है ना, ये अमाल की वजह से, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, सदाकत भाई भी माशाल्लाह, इससे आगे भी छोड़ के आऊंगी, आपको PhD में हो गया सदाकत भाई आपका, देखो मैं एक नहीं, मेरी बात सुनो समसूद, मेरी बात सुनो, मैं एक तकलीफ से कह रही हूँ, देखे ना मैं ये गुफ्तगू मैं कैसे चलाऊंगा, मैं खुद सोचूंगा मेरे घर में बच्चे देखेंगे, क्या करूँ।